आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देशभक्ति यादगिरी समिति पंजाब की तरफ से माता रानी चौक लुधियाना में प्रधान के बावा की अध्यक्षता में गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। लुधियाना से सुनील खन्ना की रिपोर्ट, लुधियाना एक्सप्रेस टीवी। आज देशभक्त यादगारी सोसाइटी पंजाब वालों असी सारे साथी प्रिंसिपल श्री शर्मा जी, साढ़े डॉक्टर साहब शर्मा जी, सारे ही सत्कारयोग सारी टीम संजय, सारे ही साढ़े साथी आए ने। असी अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया, जिसने नाम मिलवर्तन अंदोलन चलाया, जिसने डांडी मार्च किया, उन्होंने अहिंसा के राही देश को आज़ादी लैके देने दे विच वड्डा रोल अदा किया। अते अज जिथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नूं याद कर रहे हैं, उत्थे मैं समझा कि जिथे लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने भी 120वां असीं जन्मदिन मना रहे। लाल बहादुर शास्त्री मैं समझा वो एक अज की पॉलिटिक्स के सियासी खेत्र के दसते हैं कि जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की सहु चुकन जा रहे थे तो उन्होंने कॉलर फटिया होया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वाइफ ने कहा कि थोड़ा कॉलर फटिया, वह कहना मैं जिस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा उत्थे उस देश के करोड़ों लोगों के तन ते कपड़ा है नहीं। तो अज कितने लाल बहादुर शास्त्री, कितने अज सोने दिया तारा वाले सूट पाने वाले भी प्रधानमंत्री है गया। हैं जी, तो अज मैं समझा कि उन्होंने देश भगतों आजादी के घुलाटियां, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन सानू जिंदगी जीवन का भी रस्ता दिखाऊंगा दसते हैं कि बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद। अज मुबारक मौके के उत्ते मैं सारे देशवासियों को मुबारकबाद कहना वा, और सानू महात्मा गांधी जी ने जिस रस्ते से चल के सानू आज़ादी दिलाई सी, अज साडा फर्ज बनता हैगा कि असी अपने देशवासियों नू इस गल प्रेरित करिए कि वह भी सादगी दी जिंदगी गुजारन, और दे शुड बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो उस तरह अज दे पवित्र दिहाड़े ते साडा सारयां दा फिर लाल बहादुर शास्त्री जी दे चरणां विच भी झुकदा हैगा, जिन्हां ने देश नूं एक नवीं सेज दित्ती। उन्हां ने हिज लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रीफाइसिज, उन्हां दा जीवन कुरबानियों का जीवन हैगा। असी अज सारे उस परम पिता परमेश्वर नूं अगे बेनती करदे हां कि सारे देशवासियों नूं इस गल की हिम्मत देन, ताकत देन कि असी इन्हां नेतावां दे दिखाए हुए रस्ते दे उत्ते चल सकीए। जय हिंद। मैं गांधी जयंती के मौके के उत्ते डॉक्टर करण सोनी स्पोक्सपर्सन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों सारे देश में 155वीं गांधी जयंती के उत्ते गांधी जी के जन्मदिन के उत्ते बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहता। ये मैं एक गल कहनी चाहवागा कि एक हिंदी पिक्चर के सौग है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी। और इस देश को आज़ादी देने के लिए गांधी जी ने जो कुछ किया वो शब्दों से परे है। जो मैंने देखा कि गांधी जी वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर जो हैं उनको फॉलो करते हैं,
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਓ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆ ਇੱਕ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਮੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜਨਮ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪੇ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ, ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਮਤਲਬ ਵੋ ਇਨਸਾਨ ਧੰਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਲੀਏ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ। ਤੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ, ਜੋ ਹਮ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਪੇ ਹਮ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋ ਜੀ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਪੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।